कामयाब लोगों की तरह कैसे सोचें? आज हम बात करेंगे कि अपनी सोच को कैसे अपग्रेड करें, कामयाब लोगों की तरह कैसे सोचें, कामयाब लोग कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं और उनकी तरह हम कैसे हो, क्योंकि हर कामयाब बंदा स्टार्ट में कामयाब नहीं होता, वो बाद में जाके कामयाब हो जाते हैं। तो आज हम इस हवाले से कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे अगर हम उनको अप्लाई करेंगे तो हमारी सोच भी कामयाब लोगों की तरह सोच में बदल जाएगी। तो जब आप अपनी सोच को अपग्रेड करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे आपके एक्शन अपग्रेड हो जाते हैं, आपके काम अपग्रेड हो जाते हैं। तो आपने पहले ये देखना है कि कामयाब लोगों की तरह कैसे बने, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनमें ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है और आप मतलब बुरा फील करते हैं, आप टेंशन में है, यू वरी अबाउट समथिंग, तो आपने ये सोचना है कि इस हालत को एक कामयाब आदमी कैसे हैंडल करेगा। एक आप पे ये वक्त आ गया, क्योंकि हर कामयाब जो लोग होते हैं उन पे ये हालात गुजरे भी होते हैं, और वो आपने ये अपने आप को बड़ा करके सोचना है कि मैं एक कामयाब एज ए सक्सेसफुल पर्सन हाउ शुड आई थिंक अबाउट सिचुएशन। एंड आपने ये देखना है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपने मतलब आपको एक बिजनेस आइडिया आ जाता है, या आपको मतलब कोई और अच्छा आइडिया, जैसे कुछ बनाने का आइडिया आ जाता है, किसी के हेल्प करने का आइडिया आ जाता है, तो आपने ये देखना है कि लोग कामयाब लोग इसके बारे में कैसे सोचेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे कामयाब लोग। इसी तरह आप अगर मतलब अपीयरेंस की बात आ जाए, आपकी लुक की बात आ जाए, तो आपने अगेन ये सोचना है कि कामयाब बंदा अपनी अपीयरेंस के बारे में क्या सोचेगा, वो कैसे वॉक करेगा, वो कैसे टॉक करेगा, वो कैसे जस्चर एंड पोस्चर बनाएगा। तो आपने अपने आप को सेल करना है, यू नो मीन के आपने सेल योर सेल्फ टू योर सेल्फ कमर्शियल। तो आपने अपने आप को कम नहीं समझना, आपने अपने आप को बड़ा करके बड़ी सोच के साथ कि आप भी एक सक्सेसफुल, आपने उन शूज़ में अपने आप को डालना है जो सक्सेसफुल लोग जो है उनके शूज़ में अपने आप को खड़ा करके सोचना होगा, क्योंकि लोग वो ये भी कहते हैं कि आपको अगर किसी और के बारे में कोई राय देना है तो आप उनके शूज़ में खड़ा होके सोचे तो आप सही फैसला करेंगे। तो इसी तरह अगर आपने कामयाब बनना है तो आपने उनके शूज़ में खड़ा होकर सोचना होगा। अगर आपकी सोच छोटी है और आपकी आइडिया छोटे हैं, आप टेंशन लेते हैं, आपकी अपीयरेंस की बात आ जाती है, इसी तरह अगर लैंग्वेज की भी बात आ जाती है, तो आपने ये देखना है कि आप एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बातों से पता चलता है, एक कामयाब आदमी की बातों से उसकी जस्टर बोस्टर से पता चलता है कि वो कामयाब है कि नहीं है। तो आपने ये देखना है कि आप अपने कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, और आप ये भी देखें कि आप रीड क्या करते हैं, क्या कामयाब लोग यही रीड करते हैं जो आप रीड करते हैं, क्या कामयाब लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ पढ़ के कामयाब हुए, या उन्होंने कुछ और पढ़ा है, कुछ कामयाब लोगों को पढ़ा है, कामयाब लोगों की किताबों को पढ़ा है, आपने ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपने कंपैरिजन करना है कि आप और एक कामयाब आदमी में क्या फ़र्क है, आप अगर ये हालात जो आप पे गुजरे, ये अगर कामयाब बंदा वो इसको कैसे हैंडल कर लेता, तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। आजकल जब लोग बात करते हैं, लोग उनसे उनके बातों से इंप्रेस हो जाते हैं। लीडर लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जब आप पे सख्त वक्त आ जाता है, आप अपने व्हेन यू लूज़ योर टेम्पर, सो आपने ये देखना होगा कि कामयाब लोग जब अपने टेम्पर को लूज़ करते हैं, वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जब आप हार जाते हैं, जब आपको गुस्सा आ जाता है, जब आप खुशी आप या तो आप ने ये देखा है कि कामयाब लोग इस हालात को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उन पर गुजरा हुआ होता है, तो आपने भी उनकी तरफ की तरह देखना पड़ेगा। जो लास्ट एक दो चीज़ें हैं, आप जब जोक्स करते हैं, मजाक करते हैं, तो आपने ये देखना होगा कि एक कामयाब आदमी भी इसी तरह के जोक्स करते हैं, या आप मतलब आप नाकाम लोगों की तरह जोक्स कर रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल है। आपने अगर कामयाब आदमी, आपने ये सोचना होगा कि वो
बिजनेस कैसे करता है, वो डील कैसे करता है, वो लोगों के साथ बात करता है, वो रेट क्या करता है, किसके साथ बैठता है, उसकी अपेयरेंस क्या है, वो क्या पहनता है, वो कौन सी जबान किस तरह इस्तेमाल करता है, कन्वर्सेशन की क्या है, कौन सी किताबें पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, और ख़ासकर जब वो अपनी जॉब की बात करते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो वो उस वक्त किस तरह की बात है, अपनी जॉब को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो मतलब एक बिजनेसमैन है या कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर पाए। तो आपने ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, और आपने ये जो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, इनको देखना पड़ेगा कि कामयाब आदमी इस हालात में वो क्या करता है, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। तो आपने उसी तरह इन चीज़ों को अप्लाई करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपने अपने आप को कम नहीं समझना, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को बड़ा समझना है और बड़ा करने की कोशिश करना है। अपनी सोच को बड़ा करेंगे तो बड़ा काम करेंगे। जब तक हम अपनी सोच को बढ़ाएंगे नहीं, हम बड़े काम नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को पेप टॉक देना है हर दिन, हर सुबह जब हम उठते हैं हमें एक पेप टॉक की जरूरत। पेप टॉक का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को खैजिस समझना है, बड़ा समझना है, हिम्मत वाला समझना है। आपने ये क्लेम करना है कि मैं कर सकता हूँ, अगर कोई और कर सकता है तो आप किसी से कम नहीं है। आपने अपने आप को एक पेप टॉक, अपने आप को एनर्जी देना। अगर कोई बंदा स्टेज पर जाके बोल सकते तो आप क्यों नहीं बोल सकते? अगर कोई आदमी बड़ा आदमी कामयाब बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? कोई आदमी बिजनेस कर सकते तो आप क्यों नहीं बिजनेस कर सकते? एक नॉन मुस्लिम एक चीज़ बना सकते हैं, इन्वेंशन कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे अपने आप को, आप जब तक आप अपनी सोच को अपग्रेड नहीं करते तो आप अपने एक्शन को अपग्रेड कभी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।